हेलो वीवर्स, मैं हूँ फलक और आपका स्वागत है मेरे चैनल एफसे फूड पर। आज की हमारी रेसिपी एक बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट, ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक की है। और आज हम बनाएंगे इस केक को बिना नोजल के यूसेज के। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले रेडी करेंगे विप क्रीम। क्रीम विप करने के लिए एक प्लास्टिक के बोल में या फिर ग्लास बोल में, इसे आप थोड़ा चिल कर ले तो बेहतर होगा, उसमें इस तरह की लिक्विड फॉर्म में क्रीम डालेंगे। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने 1 कप क्रीम यूज़ की है। अब इसे हमें हैंड ब्लेंडर से विप करना है। आप चाहे तो विस्क से भी कर सकते हैं, लेकिन विस्क से टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है और ब्लेंडर से जल्दी हो जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे चॉकलेट गनाश। आप चाहे तो चॉकलेट गनाश की जगह पे कोको पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्रेफर करती हूँ। अब इसे हमें अच्छी तरह से विप करना है। इतना विप करना है कि इसमें स्टिफ पीक्स आने लगे। हो सकता है आपने कई जगहों पे ये देखा हो कि इसमें नीचे बर्फ रख के किसी बड़े प्याले में फिर इसे विप किया जाता है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ यहाँ पे जो इसकी ब्लेड होती है ना, तो उसे आप सिर्फ आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, फ्रीज होने के लिए। जब आपको विप क्रीम बनानी हो तभी निकाल कर फिर उसका यूज़ करेंगे, तभी भी क्रीम जो है बहुत अच्छी विप होती है। अब हम केक ले लेंगे, इसे डीमोल्ड कर लेंगे। इस बेस के बनाने की रेसिपी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अगर आप बनाना चाहें मेरे केक की रेसिपी देखकर तो उसे रिफ़र कर सकते हैं। अब इस तरह से हम केक डीमोल्ड कर लेंगे। अब देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी दिख रहा है। अब यहाँ पे बोर्ड पे थोड़ा सा केक का पार्ट लग गया था, तो वो मैं वाइप कर लूँगी। अब हम यहाँ पे करेंगे केक की लेयरिंग। हमारा ये चॉकलेट बेस है, तो यहाँ पे हम कोई छुरी या फिर सेरेटेड नाइफ का यूज़ नहीं करने वाले हैं। यहाँ पे हम केक लेयरिंग करेंगे धागे से। तो धागे से करने के लिए आपको यहाँ पे कितनी मोटी लेयर चाहिए उसके ऊपर आप धागे को अच्छे तरह से मार्जिन लगा देंगे और फिर इस तरह से आर पार कर देंगे एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करते हुए। तो अभी मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ कि कितना परफेक्टली कट हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि ये छुरी से ज़्यादा अच्छे से कटता है। अगर आप सेरेटेड नाइफ से काटते हैं ना, तो उसके कंपैरिजन में धागे से कटने में बहुत ज़्यादा अच्छी लेयरिंग होती है केक की। ये देखिए, अब इसी तरह से यहाँ पे भी हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से धागे को सराउंडिंग में इसके लेंगे और एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हुए इस तरह से खींच लेंगे बाहर के साइड में। तो अब मैं आपको दूसरी लेयर भी दिखा देती हूँ कि कितनी परफेक्टली और कितनी करेक्ट तरीके से कटी है। तो इस बेस में मैंने बनाई है टोटल 3 लेयर्स। अब जो हमारी फर्स्ट लेयर है, ये बोर्ड के ऊपर हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार तो बोर्ड वाइप कर लेंगे और फिर उस पर स्प्रेड कर देंगे थोड़ी सी हमारी विप क्रीम, इसे फ्रॉस्टिंग भी कहते हैं। तो ये फ्रॉस्टिंग हम इस तरह से विप कर लेंगे ताकि हमारा जो फर्स्ट लेयर है इसके ऊपर अच्छी तरह से इंटैक्ट रहे। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे शुगर सिरप केक को मॉइस्ट बनाने के लिए। अगर आप ऐसे ही ये केक खाएंगे तो ये मॉइस्ट है ऑलरेडी, लेकिन जब आप इसे क्रीम के साथ में खाते हैं ना तभी एक अच्छा टेस्ट आता है। तो इसे हमने शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लिया है, फ्रॉस्टिंग लगा दी है दोबारा से और फिर थोड़ा और चॉकलेटी फ्लेवर के लिए इसके ऊपर ड्रिजल कर दिया है चॉकलेट गनाश। अब हमारी रख देंगे सेकेंड लेयर। अब मुझे यहाँ पे आधा किलो का केक बनाने के लिए 2 ही लेयर का यूज़ करना था, तो इसके लिए मैंने तीसरी लेयर जो है साइड में रख दी है। अब दूसरी भी लेयर को हम, जो हमारी टॉप मोस्ट और फाइनल लेयर है, उसे भी शुगर सिरप से सोक कर लेंगे थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा शुगर सिरप नहीं डालेंगे वरना ये बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको केक कवर करना है पूरा इस क्रीम से। तो यहाँ पर हम कितनी भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि एट दी एंड जब आप इसे फिनिश देते हैं तो एक्स्ट्रा क्रीम हमें निकालनी ही होती है। तो इस तरह से मैंने टॉप में यहाँ पे बहुत सारी क्रीम डाल दी थी, उसे अच्छी तरह से फैला दिया है। अब मैं यहाँ पे क्रीम लेके साइड में भी डाल दूंगी। अब यहाँ पे जो केक का सारा सर्कमफ्रेंस है ना, उसके साइड्स, उसे हम अच्छी तरह से रफली क्रीम से कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम रफ वर्क ही कर रहे हैं, ऐसा आप समझ सकते हैं। ये हमारा फाइनल लुक तो नहीं है, लेकिन हमें क्रीम इतनी ज़्यादा यूज़ करनी है कि केक का कोई भी अंदर का स्पॉन्ज नज़र ना आए। अब यहाँ पे हम क्रीम को स्मूथ करना स्टार्ट करेंगे इस तरह से। आप चाहे तो इस पैलेट नाइफ का यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्रेपर का यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक का, या फिर स्टील का भी आता है मेटेलिक स्क्रेपर, वो भी यूज़ कर सकते हैं।
अब इसे हम अच्छी तरह से स्मूथ करेंगे। और अगर आप चाहें, आपके पास ये तीनों ही ऑप्शन नहीं है स्मूथ करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि एक बच्चों की प्रोजेक्ट की फ़ाइल आती है प्लास्टिक की, तो उसका जो कवर होता है ना वो बहुत हार्ड होता है प्लास्टिक का, ट्रांसपेरेंट फाइल होती है। तो आप चाहे तो उस प्लास्टिक के भी टुकड़े करके मीडियम साइज़ के, उससे भी आप ये स्मूथ कर सकते हैं। अगर आप उसे जानना चाहते हैं कि कैसे करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उस शीट से भी आपके लिए केक स्मूदनिंग का वीडियो बना दूंगी। अब हमारा जो सराउंडिंग है केक का वो स्मूथ हो चुका है। अब यहाँ पर हम केक के एजेस को स्मूथ और शार्प बनाएंगे। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि साइड से जो स्क्रेपर है हमारा, अंदर की तरफ लाएंगे उसे इस तरह से। ये रफली हो गया है हमारा स्मूथ, अब इसे हमें और स्मूथ करना है। तो आपको जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि ये स्मूथ हुआ है या नहीं, आप तब तक कर सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे केक की डेकोरेशन और उसकी ब्यूटीफुल लुक जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ आपके इस फ्रॉस्टिंग के ऊपर होती है कि आपने अपना केक कितना स्मूथ बनाया है, उसकी जो आपने फ्रॉस्टिंग की है वो कितनी स्मूथ की है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं लग रहा था, इसके लिए मैंने थोड़ी और क्रीम लगा दी है और इसे मैं दोबारा से स्मूथ कर दूँगी। यहाँ पे इस तरह से जो हमारा टर्न टेबल है उसे घुमाते हुए हम स्मूथ कर लेंगे। आप जो नीचे देख रहे हैं ना, जिसके ऊपर केक मैंने रखा है, जिस पर केक घूम रहा है, इसे टर्न टेबल कहते हैं। आप इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, बड़ी इजीली मिल जाता है। अब यहाँ पे जो साइड्स है केक बोर्ड पे, इसे भी हम क्लीन कर लेंगे। आप चाहे तो टिश्यू पेपर से भी पोंछ सकते हैं। अब यहाँ पे जो जिगजैग स्क्रेपर होता है मैं वो यूज़ करूँगी, यहाँ पे एक लाइन वाला इफेक्ट देने केक के सराउंडिंग में। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, आप देख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमने किसी नोजल का यूज़ नहीं किया है, तो मैंने नॉर्मल जो पाइपिंग बैग होता है उसमें जो हमारा गनाश रेडी किया था वो डाल दिया है। और यहाँ पे गनाश आपको थोड़ा गाढ़ा यूज़ करना है ताकि आपको इस तरह की मोटी ड्रिप्स मिल सके। अगर आपका गनाश पतला हो गया तो वो सारा बहकर जाके बोर्ड पे रुक जाएगा, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसके लिए गाढ़ा गनाश रखें और पूरा नीचे तक ड्रिप नहीं करेंगे। अगर आप एक पॉइंट भी डालते हैं ना मोटा सा, तो वो बहकर नीचे आ जाता है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डाला है, लेकिन वो थोड़े टाइम में नीचे जाकर ड्रिप हो रहा है और कुछ कुछ जो ड्रिप्स है जाके बोर्ड पर भी बैठ गई है। इस तरह से केक को हमने ड्रिप कवर कर लिया है और इसके टॉप मोस्ट जो पार्ट है उस पर भी हम इस तरह से गनाश को स्प्रेड कर लेंगे। अच्छी तरह से इसे कवर देंगे, कोई भी केक का पार्ट नहीं दिखना चाहिए हमें जिस पर हमने क्रीम यूज़ की थी। अब देते हैं फाइनल लुक हमारे केक को, जिसके लिए यहाँ पर मैंने यूज़ की है एक मिनी पेस्ट्री। तो मिनी पेस्ट्री बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी जो तीसरी लेयर थी ना उसमें से मैंने एक ट्रायंगल शेप कट कर लिया है, उस पर थोड़ी सी जो हमारी क्रीम थी, चॉकलेट क्रीम हमने बिगनिंग में बनाई थी, वो डाल के उसके ऊपर एक दूसरा ट्रायंगल शेप डाल दिया है। अब उसे हम केक के ऊपर किसी भी साइड में प्लेस कर देंगे इस तरह से। अब जो हमारा चॉकलेट गनाश था, या चॉकलेट ग्लेज भी कह सकते हैं आप, उसे पेस्ट्री की सबसे टॉप मोस्ट पार्ट पे डालेंगे, पूरी पेस्ट्री नहीं कवर करनी है। हमारी ये टाइनी पेस्ट्री जो है इस तरह से ग्लेज से या फिर गनाश से कवर हो चुकी है सिर्फ ऊपर के पार्ट में। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हमारी जो फ्रॉस्टिंग थी उसे एक पाइपिंग बैग में डाल देंगे और इस तरह से पेस्ट्री के ऊपर से होते हुए ड्रिजल कर देंगे डायगोनली, और यहाँ पे तीन या चार डॉट्स बना देंगे। तो लग रहा है ना बिल्कुल ब्यूटीफुल, बिल्कुल एलिगेंट। तो हमारा ये चॉकलेट केक बिना किसी नोजल की यूसेज के बन के रेडी है। फाइनल लुक के लिए डाल देंगे थोड़े से वाइट पर्ल्स, ये एडिबल पर्ल्स है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इजीली मिल जाती हैं। और हमारा चॉकलेट मूस केक बनकर रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें और हमें कमेंट्स में भी बताएं। ऐसी ही ईजी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।